सो गाइस, हम सबसे पहले इस बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट ऐप में ओपन कर लेंगे, ठीक है। इस बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इफेक्ट्स पे आ जाना है, ठीक है गाइस। एंड यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है ब्लर, एंड पहले वाला जो ब्लर इफेक्ट वो आपको अप्लाई कर लेना है। सिंपली यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। अभी आपको आ जाना है सिंपली एड फोटो ऑप्शन पर। एंड अब जिस फोटो को एडिट करना चाहते हो उस फोटो को आपको सिंपली यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस फोटो को साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे एंड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इरेजर को, ठीक है। इरेजर सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको दोबारा इरेजर पर क्लिक करना है एंड हार्डनेस को बढ़ा देना है, साइज़ को आपको मतलब से सेट कर लेना है एंड मॉडल को रख के बाकी जो बैकग्राउंड का पार्ट है उसको आपको सिंपली इरेज करते जाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से इरेज कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। सो यहाँ पर लगभग इरेज कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा रहेगा तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ एंड सिंपल मैं यहाँ पर राइट पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अभी आपको आ जाना फिर से एड फोटेबल ऑप्शन पर एंड यहाँ पर वो कुछ PNG को ऐड कर लेना, ठीक है, इस दो PNG को। तो सबसे पहले ये देख सकते हो, ये फ्लैग PNG, ठीक है। इसका एडजस्ट पे हम ले जाएंगे इसको एंड यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है कॉन्ट्रास्ट को हम फुल कर दूंगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइट आ रहा था वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर राइट पर क्लिक कर दूंगा एंड इसका साइज़ को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड सिंपली इसको नीचे की तरफ लेकर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका पोजिशन में सही तरह से बैठे देते पोजिशन में, ठीक है। सो यहाँ पर बैठ चुका है एंड यहाँ पर ये वाला जो PNG इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, नीचे की तरफ लेकर आएंगे एंड इसका अमाउंट को हम कम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर लेयर पैनल पर क्लिक करने के बाद सिंपली मूव डाउन कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा पिक्सआर्ट ऐप भी काम खत्म हो चुका है सिंपली। एंड यहाँ पर हम ड्रॉ टूल पे जाएंगे एंड इस फोटो को सेव कर लेंगे, ठीक है। तो इस फोटो को हम सेव करने के बाद सिंपली हम ओपन कर लेंगे इस फोटो को हम ऑटोडेस्क स्केच बुक में, ठीक है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑटोडेस्क स्केच बुक में फेस को स्मूथ कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है एंड इसका सेटिंग आप लोग देख सकते हो गाइस कितना है। उसके बाद मैं ऐसे रिमूव कर दूंगा इसको एंड सिंपली स्किन के ऊपर से मैं सिंपली अप्लाई करते जाऊंगा, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस कितना अच्छे तरीके से स्मूथ हो रहा है हमारा फेस एंड स्क्रीन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से स्मूथ कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया हूँ। एंड अगर आपने इस अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ ये लाइक कर दो, ठीक है गाइस। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो फेस स्मूथ हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड अभी मैं क्या करूँगा, हेयर को एडिट करूँगा। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर आपको टूल्स पर सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रश चेंज कर लेना है एंड ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। इसका सेटिंग्स आप लोग देख सकते हो एंड सिंपली आपको फोटो को जूम कर लेना है एंड जूम करने के बाद आपको हेयर के ऊपर से सिंपली इस तरह से आपको चलाते रहना है ब्रश को, ठीक है। तो आप कोई और भी ब्रश सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से कर लेता हूँ, ठीक है गाइस, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, ठीक है। आप लोग बस थोड़ा सा टाइम देकर हेयर को एडिट कर लेना है। सो यहाँ पर लगभग हमारा हेयर एडिट कंप्लीट हो चुका है एंड फेस को व्हाइट करेंगे। तो इसके लिए हम एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेंगे एंड यहाँ पर लेयर पे क्लिक करने के बाद इसका जो मोड है, ठीक है, लेयर का मोड हम रख देंगे सॉफ्ट लाइट, ठीक है। एंड यहाँ पर कलर पैनल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कलर पैनल पालने के बाद यहाँ पर कलर कॉपी पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर थर्ड नंबर पर क्लिक करने के बाद यह वाला कलर सेलेक्ट कर लेना आपको, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है गाइस। ये वाला ब्रश देख सकते हो गाइस आप एंड उसका सेटिंग आपको देख सकते हो गाइस कैसा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली फोटो को लेकिन जूम एंड हमारा फेस एंड स्किन के ऊपर से सिंपली अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा अच्छे तरीके से फेस एंड स्किन व्हाइट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हो गाइस कितना अच्छा लग रहा है देखने में अभी। तो मैं यहाँ पर जल्दी से इसको कर लेता हूँ कलर, ठीक है गाइस। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कलर कंप्लीट हो चुका है एंड मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा लेयर के ऊपर एंड इसके जो ऑपोजिट है मैं थोड़ा सा काम ज्यादा करके देखूंगा कि कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इतना तक रख देता हूँ अमाउंट इसका, ठीक है। एंड इसके मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद शेयर पर क्लिक कर लूँगा एंड सेव टू डिवाइस पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो हमारा फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा एंड इस फोटो को हम सिंपली ओपन कर लेंगे जल्दी से जल्दी स्नैपसीड ऐप में, ठीक है, क्योंकि हमें डिटेलिंग ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्नैपसीड ऐप में ओपन करने से पहले इस पेंसिल वाला आइकन को क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर को सिंपली क्लिक कर लेना है इस वाला ऑप्शन पे, ठीक है, सिलेक्टिव वाला। एंड सिलेक्टिव वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर फेस के ऊपर से आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ा देना है, ठीक है। एंड सैचुरेशन को आपको थोड़ा सा कम कर देना, ठीक है। तो इससे आपको फेस व्हाइट हो जाएगा और भी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जहाँ पे और पे व्हाइट चाहिए फेस को एंड स्किन को, तो मैं वहाँ पर इसको सिंपली अप्लाई करते रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेता हूँ सिंपली जल्दी से। सो यहाँ पर हो गया है एंड सो तो मैं क्या करूँगा, फिर से आ जाऊँगा पेंसिल वाला आइकन पे, यहाँ पर डिटेल सिलेक्ट करूँगा। इसका जो स्ट्रक्चर है मैं इसको फुल कर दूँगा, ठीक है। तो फोटो में एक अलग से चमक आ जाएगा। उसके बाद सिंपली राइट वाला ऑप्शन क्लिक करूँगा, यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो गाइस यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया हूँ एंड सिंपली फेस के ऊपर से इरेज
इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। ये इफेक्ट आपको सिर्फ बैकग्राउंड एंड मॉडल की शार्ट के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, तभी अच्छा लगेगा दिखने में। स्क्रीन के ऊपर से आपको रखना नहीं है, ठीक है, तो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। तो अगर मैं जल्द सीरीज कर दिया हूँ एंड यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। सिमिलर में फिर से जाऊँगा इस ऑप्शन पे एंड यहाँ पर आपको सिलेक्टिव चूज कर लेना है एंड यहाँ पर आपको कपड़ों पर रख देना है एंड जो कॉन्ट्रास्ट है उसका आपको बढ़ा देना है एंड जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाकी कपड़ का जो पार्ट है, ठीक है, इस ड्रेस का वहाँ पर भी मैं इस इफेक्ट को अप्लाई करता रहूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्द से कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। सो इतना हो जाने के बाद मैं सिंपली राइट पर क्लिक कर दूंगा एंड फिर से आ जाऊंगा स्पेशल वाले आइकन पे, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा ट्यून यूज पर एंड यहाँ पर जो एम्बियंस है एम्बियंस को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, तो देखूंगा मैं कितना सही लग रहा है कितना अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर 6, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं सिंपली इस फोटो को सेव कर लूँगा अपना फोन में, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली डाउनलोड वाले आइकन पर क्लिक करूँगा तो ये फोटो हमारे फोन में सेव हो जाएगा एंड इसको हम ओपन कर लेंगे अपना पिक्सआर्ट ऐप में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें टेक्स्ट पीएनजी ऐड कर देना है एंड जो सर पे जो पीएनजी है, ठीक है, तिलक पीएनजी उसको भी हमें ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक लाइट पीएनजी ऐड करूँगा, सबसे पहले इसका ब्लेंडिंग मोड कर दूँगा स्क्रीन एंड यहाँ पर जाऊँगा एडजस्ट पे, तो जो यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है सबसे पहले मैं सैचुरेशन को डिक्रीज कर दूँगा एंड कॉन्ट्रास्ट को हाई कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाइट हो जाएगा फुल, इसको मैं रोटेट कर लूँगा थोड़ा सा एंड इसका साइज को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, ठीक है। साइज को बढ़ा देने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसका जो ऑपोसिटी है, ठीक है, आपको ऑपोसिटी को कम करते जाना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको सेट कर लेता हूँ साइड तरीके से एंड ऑपोसिटी में कम कर दे, सिंपली क्लिक करूँगा इरेजर आइकन के ऊपर एंड इरेजर पे क्लिक करने के बाद जिस पार्ट हमारा मॉडल के फेस के ऊपर सारे एंड बॉडी के ऊपर सारे उसको हम सिंपली इरेज कर देंगे, ठीक है। तो मैं अपन जल्द से इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर लगभग इरेज कंप्लीट हो चुका है, सिंपली मैंने यहाँ पर राइट पे क्लिक कर दूंगा इरेज एंड यहाँ पर मैं सिंपली आ जाऊँगा फिर से एड पोर्टेबल ऑप्शन पर, ठीक है गाइस। एंड एड पोर्टेबल ऑप्शन पाने के बाद आपको सिंपली उस पेज को ऐड कर लेना, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं सबसे इसको ऐड कर लेता हूँ, देख सकते हो गाइस दो पीएनजी है। यहाँ पर जो टेक्स्ट पीएनजी इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसका हम रखेंगे मल्टीप्लाई एंड उसको बता जाएंगे सिंपल हम इफेक्ट्स पे, ठीक है। यहाँ पर इसको व्हाइट कलर है तो इसका आपको अच्छा कलर्स पर ऑप्शन पे एंड यहाँ पर नेगेटिव सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको मार्च पर लिखना है, राइट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर गलत हो गया कुछ, तो यहाँ पर मैं फिर से जाऊँगा ब्लेंडिंग मोड ऑप्शन पे एंड यहाँ पर अरे भाई ब्लेंडिंग मोड ऑप्शन कहाँ गया, या तो ठीक है ब्लेंड एंड इसको मैं रख दूंगा स्क्रीन पे, ठीक है। एंड इसका साइज हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है गाइस। एंड यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड पे रख दूंगा नीचे की तरफ से, ठीक है। सो इसका पोजीशन में सही तरीके से लगा दूँ सही पोजीशन में एंड हो चुका है। अब सिंपली ये वाला जो पीएनजी इसको मैं रखूँगा यहाँ पर सर के ऊपर से, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं इसको पहले रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो अच्छा लगेगा नहीं दिखने में। तो रोटेट करने के बाद सिंपली इसको मैं छोटा कर दूंगा, फोटो को कर लूँगा जूम एंड मैं यहाँ पर सही तरीके से लगा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पोजीशन सही से पहले सही कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं इसका ऑपोसिटी कम रखूँगा हल्का से, ठीक है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर रखते हैं, हाँ ठीक है। एंड इसका जो ऑपोसिटी है मैं यहाँ पर लगभग 87 की तरफ रखूँगा एंड यहाँ पर मैं राइट पर सिंपली क्लिक कर दूँगा, ठीक है गाइस। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा फोटो दिखने में, हमारा फोटो फाइनली रेडी हो चुका है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगी है, आपको अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना एंड भाई अपना दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर पहला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे नए नए वीडियोज देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपके साथ एक न्यू डे में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।